तो कल हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था इस बात को ऑब्जर्व करने का, स्टेप फोर जो है अभ्यास दो का, इस बात को देखने का कि शरीर के किसी भाग में संवेदना को देखना है, जैसे खुजली हो रही हो, गुदगुदी हो रही हो, दर्द हो, कंपन हो इत्यादि, और ध्यान देना है कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। तो ये हमें कल हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि हम लोग शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है पहले लग रहा हो कि इसमें कोई संवेदना है ही नहीं, है ना, फिर पता चला वहाँ कुछ संवेदना है, किसी प्रकार की है, कोई खुजली है, गुदगुदी है, दर्द है, कंपन है, और फिर उसे अपनी दूरी को देखना था, और इसी प्रकार से शरीर के भिन्न भिन्न भागों में देखना था, और उसे कई बार देखना था, कई बार करना था। यदि हम इस अभ्यास को किए हों तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में संवेदना को देखने का जी, बढ़िया। इसमें और समय लगाने की जरूरत है ना, क्योंकि ये जो मैं और शरीर के बीच की जो दूरी है वो तभी स्पष्ट होती है जब हम संवेदना से अपनी दूरी को स्पष्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं। और इसमें भी थोड़ा विधिवत चलेंगे तो विधिवत विधि से मतलब एक सही ढंग से हमें स्पष्ट हो पाएगा जो मैं और शरीर के बीच का अंतर है जी। बढ़िया, हमें से कई साथियों ने अभ्यास किया है कल दिन में, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। ये शेयर करना चाह रहे हैं कि जैसे कल अभ्यास कर रहे थे तो पैर में थोड़ा सा पैर में दर्द है, तो पैर में भी दर्द का हो रहा था आभास, लेकिन कुछ अपने अंदर सेल्फ में कुछ कल्पनाशीलता में कुछ उधेर बुन चल रहा था, तो उसको जीवन अधिक जरूरी मानकर उस पर जो है सो अपना कर रहे थे, लेकिन उसको पैर वाले दर्द को इग्नोर कर रहे थे। तो इससे जबकि उसके लिए भी कुछ उपचार करते हैं जैसे सेकना वेकना जो भी है व्हाटएवर, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यदि वो हम संवेदना ही होते तब तो उसी पर ध्यान देते, उससे अधिक जीवन में जो क्रिया चल रहा है कल्पनाशीलता उसमें कुछ उधेर बुन ही चल रहा था, तो उसको जब दिए तब तो उसको इग्नोर। तो विश्लेषण से तो इसमें यही समझ में आता है कि हम संवेदना नहीं है, वो भी हमें हो रहा था, उसकी सूचना मिल रही थी, लेकिन कुछ और चीज को जीवन महत्वपूर्ण मान रहा था तो उसपे लगा हुआ था। तो जी, एक जी एक तो ये क्या कहते चीज हुआ, और दूसरी बात जो जैसे भैया मान लीजिए कि हम कोई शरीर से करने वाला काम है, तो शरीर जब रेस्ट में भी रहता है तो हम उसका प्लानिंग कर लेते हैं कि सुबह उठेंगे ऐसे ये कर लेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक पे चले जाएंगे, फिर बच्चों का, तो ये चीज जो है तो ये तो जब शरीर और शरीर से होने वाला काम और जीवन में जो चल रहा है तो उसमें जब वो है तब तो हम ऐसा कर पा रहे हैं ना, तो इस पे आप जो है सो क्या अपना वो हमें क्या बताएंगे जी, क्या? जी ये बात तो ठीक ही है, यदि मैं संवेदना होता तो मेरा ध्यान मतलब जिस प्रकार से अभी गया अपने भाव विचार पे वहां नहीं जाता, तो मैं संवेदना तो नहीं हूँ, संवेदना से जरूर मेरा कुछ भिन्नता है, तभी जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ उस पर ध्यान देता हूँ। अगर मैं संवेदना ही होता तो फिर वो प्रायोरिटी का मुद्दा ही नहीं होता, ये तो ऑब्जर्वेशन तो ठीक है जी जी। और भैया वो तो मतलब ये चीज जो अभी हम जो कर रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिए, उस पर ध्यान दिया, ये प्रायोरिटी में था, इसको क्या कहेंगे? इसको देखना दिख जाना कहेंगे या इसको भासाभास कहेंगे, इसको एनालिसिस कहेंगे, वो ये इस पे क्या कह रहे हैं आप? देखिए अभी क्या दिखा ये तो आपको ही तय करना होगा, तो संवेदना पे से ध्यान हटकर अपने किसी विचार पे ध्यान गया इतना तो निश्चित है, वो भी दिखा कि नहीं कहना मुश्किल है, तो ध्यान देते रहते हम, है ना, बट ध्यान देना और दिख जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं जी। तो हमको मतलब भाव दिख गया, सुन लीजिए पहले उसको, हाँ जी, तो ध्यान दिया हमने एक बात है, दिख गया ये सारी घटना है, तो ध्यान तो हम देते ही रहते हैं, विचारों में बह जाते हैं किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे, किसी परिस्थिति पे ध्यान दे रहे हैं, है ना जी, बट वो हमको दिख गया समझ में आ गया ऐसा नहीं है जी। जी भैया एक और है आपसे लास्ट, ये तो संवाद है और विवाद है, उसमें क्या डिफरेंस है? हम किसी भी कोई भी बात हो जाती है तो हम संवाद करने ही जाते हैं, लेकिन संवाद वो अल्टीमेटली विवाद में कन्वर्ट हो जाता है और
संबंध और खराब हो जाता है। देखिए हम लोग जो ह्यूमन वैल्यू पढ़ाते हैं क्लास में तो उसका एक है, तो उस तरह से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई कुछ झूठ बोला, कुछ भी गलत किया, उसको यदि उसके फॉर्म में भी कहते हैं कि अच्छा आपको क्या लग रहा है, ऐसा करना ठीक था या ऐसा करना ठीक था, तो उसपे जो है सो सामने वाले से वो बात बन नहीं पाती है। अब वो मेरे योग्यता में कमी, हम उतना विनम्रता पूर्वक नहीं कह पाते हैं क्या, तो हम वही पूछना चाह रहे क्या डिफरेंस है संवाद और विवाद में, और सामान्य रूप से हम लोग करने तो अच्छा ही जाते हैं, तो वो विवाद में कन्वर्ट होकर के संबंध और खराब क्यों हो जाता है? जी जी, इसमें समझ का अभाव है। देखिए हमारे अंदर भी समझ का अभाव हो सकता है, दूसरे के अंदर भी समझ का अभाव हो सकता है। जी अगर हम अगर समझ है तो हम अपनी तरफ संवाद को बनाए रखते हैं, हम विवाद में नहीं उतरते हैं, है ना। यदि दूसरे में समझ का भाव है तो दूसरा विवाद में उतर सकता है, बट हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहता है, संबंध का भाव रहता है तो संवाद में ही जाते हैं। हर बार हम दूसरे व्यक्ति को जांचने समझने का अवसर देते हैं, हर बार हम उसको इस बात का अवसर देते हैं कि अपने आधार पर वो तय कर पाए, सेल्फ एक्सप्लोर कर पाए, तो हम तो विवाद नहीं करते। अगर हम भी विवाद में जा रहे हैं तो हमें भी समझ का भाव है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, यदि लग रहा है कि सामने वाला उस तरह से रिस्पॉन्स ना करके रिएक्ट कर रहा है तो हम तो उसको वहीं स्टॉप कर ही देंगे ना, उसको छोड़ ही देंगे ना कि नहीं भाई आप अपने जिम्मेदारी पर सोचिए कि क्या करना है, नहीं मेरा काम था एक बार ध्यान दिला दे, क्योंकि देखिए भैया ये तो आप हमसे बेहतर समझते हैं। हम जो शेयरिंग को कम कर लेते हैं, थोड़ा भी कंटेंट को लेकर चलते हैं, क्योंकि बात कहीं और चली जाएगी। जी जी भैया ठीक, बिल्कुल ठीक बात है जी, ठीक है भैया, थैंक यू, सभी को धन्यवाद जी। तो ये जो बाह्य परिस्थिति का प्रभाव है उसको स्टडी कर रहे हैं स्टेप फाइव में। तो संवेदना को देखें तो संवेदना के तीन स्रोत दिखाई देते हैं, जो पहले भी बात हुई जी। तो संवेदना के तीन स्रोत दिखाई देते हैं, एक स्रोत है जो शरीर के भीतर होने वाली क्रियाएं हैं, और दूसरे तरह का स्रोत है जो शरीर के बाहर होने वाली क्रियाएं हैं। जो शरीर के बाहर होने वाली क्रियाएं हैं उसमें दो प्रकार से है, एक तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार या बाहर घटने वाली भौतिक रासायनिक क्रियाएं। तो दूसरा जो व्यवहार करता है उसका प्रभाव पहले मेरे शरीर तक पहुंचता है, कोई ध्वनि है, स्पर्श है, उसके तहत शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है। दूसरा स्रोत है कि बाहर की परिस्थिति, कोई भौतिक रासायनिक घटना, ठंडा, गर्मी, बारिश इत्यादि, इन सब का प्रभाव मेरे शरीर तक पहुंचता है, उसके तहत शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है। और तीसरे स्रोत को देखें तो शरीर में जो घटना घट रही है उसके तहत भी शरीर में संवेदना होती रहती है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, कहीं खाज है, खुजली है, है ना, ये सारा भी। ये तीन स्रोत दिखाई देते हैं। अब इसमें आप पाएंगे कि इनमें से कोई भी प्रभाव मैं तक सीधा सीधा नहीं पहुंचता, इनका प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है, इन संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ, आस्वादन करता हूँ या नहीं करता हूँ, बट ये निर्णय मेरा होता है। तो एक बात यह है कि संवेदना शरीर में उत्पन्न हो रही है इन तीनों ही स्रोतों से, उसको पढ़ने न पढ़ने का निर्णय मेरा है। तो मैं उन्हीं संवेदनाओं को पढ़ता हूँ जिन्हें महत्वपूर्ण मानता हूँ, और मैं उन्हें तभी पढ़ता हूँ जब उन्हें पढ़ना मुझे आवश्यक लगता है। तो इन संवेदना को मैं कैसे देखता है, प्रयोग करता है, इसको हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे। तो ये बात तो हमने पहले भी कही कि कोई भी संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मेरा निर्णय शामिल है, मुझे उसकी आवश्यकता लगती है, मुझे महत्वपूर्ण लगता है तो मैं पढ़ता हूँ, नहीं महत्वपूर्ण लगता है नहीं पढ़ता हूँ। तो इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करते हैं, कितने स्टेप इसमें शामिल है। तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार, अगर देखें कोई बोलचाल है, कोई कुछ कह रहा है या शरीर से संकेत दे रहा है, कोई अभिव्यक्ति हो रही है, तो कोई शारीरिक क्रिया हो रही है जैसे बोलना, उसका मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ा, जैसे कान में ध्वनि पहुंची, उससे एक संवेदना उत्पन्न हुई, अब मैं संवेदना का आस्वादन करता हूँ। फिर मैं अपने संस्कार, जो मान्यता आधारित भी हो सकता है, समझ आधारित भी हो सकता है, उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। तो ये जो अर्थ देने वाला भाग है इसको हम स्टेप फाइव में स्टडी कर रहे हैं। इसको हमने पहले थोड़ी बहुत बात की थी संक्षेप में कि एक तो शरीर में संवेदना को उत्पन्न होना एक घटना है, उसका है ना मेरे द्वारा पढ़े जाना दूसरा, और तीसरा महत्वपूर्ण बात है मैं इसको अर्थ देता हूँ। अब इस अर्थ देने से मेरे कल्पनाशीलता पे प्रभाव पड़ता है। जी भैया अगला क्लिक करिएगा। वैसे कोई बाहर की बहुत ही रासायनिक क्रिया हो, गर्मी, सर्दी, स्वादिष्ट भोजन,
उसका मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कुछ संवेदना उत्पन्न होती है, मैं संवेदना का आस्वादन करता हूँ और मैं अपने संस्कार जो मान्यता आधारित या समझ आधारित हो सकता है उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। क्योंकि बाहर की भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, उसके साथ भी अगर हम देखें तो इसी प्रकार से मैं अर्थ देता हूँ, और जो भी मैं अर्थ देता हूँ उसके आधार में कोई मान्यता होती है, मेरा संस्कार होता है, और संस्कार मान्यता आधारित हो सकती है या समझ पे भी आधारित हो सकती है। और तीसरी घटना को देखें जी, शरीर में कोई घटना हो रही है तो शरीर में अपने आप संवेदना उत्पन्न हो रही है और मैं संवेदना का आस्वादन कर रहा हूँ और फिर मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ अपने संस्कारों से जोड़कर, और संस्कार मान्यता आधारित हो सकते हैं या समझ आधारित। अब इसको बारीकी से अध्ययन करें, तीन तीनों स्रोतों पे अपने को काफी ठीक से काम करने की जरूरत है ना। आपको दिखाई देगा कि दूसरे का व्यवहार हुआ नहीं कि हम रिएक्ट कर गए, और उसके बीच के जो इतने सारे फेजेज हैं, स्टेप्स हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया कि दूसरे ने कोई व्यवहार किया ठीक, उससे हमारे अंदर कुछ सूचना पहुंची, उस सूचना को हमने कोई अर्थ दिया, उसके बाद कहीं जाकर रिएक्शन तैयार हुआ, और जो अर्थ दिया उसके आधार में कुछ संस्कार है मेरे अंदर बना हुआ है जिसका मैं समझ नहीं पाया हूँ, जिसका मैं मूल्यांकन नहीं कर पाया हूँ, इससे रिएक्शन हुआ है ना। फिर हम लोग बोलते भी रहते हैं एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टिट फॉर टैट। तो ये अल्टीमेटली जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं उसमें जो हम चीजें स्टडी कर रहे हैं वो एक प्रकार से, बट यदि चैतन्य की बात करें, मैं की बात करें, तो यहाँ ये बातें लागू नहीं होती। तो कुछ एक्शन सामने से हुआ, मेरा रिएक्शन होगा कि रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, कितना होगा, किस प्रकार होगा, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैंने जो अर्थ दिया उसके आधार पर निर्भर करता है। तो ये तीन स्रोत हैं जिससे है ना मुझे संवेदना मिल रही है और जिस तरह से मैं संवेदना को अर्थ दे रहा हूँ। अब हमें अपने जो अर्थ दे रहे हैं उसके आधार में जो संस्कार है उसको देखना है। अगर आप देखेंगे तो अभ्यास एक के स्टेप फाइव में भी हम अपने संस्कार को देखने का अभ्यास कर रहे थे, अभ्यास दो के भी स्टेप फाइव में हम अपने संस्कार को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो इनफैक्ट जो भी मैं सूचना को अर्थ देता हूँ, जैसे हमने कोई भोजन रखा मुंह में और स्वादिष्ट लगा, तो भोजन का तो एक संवेदना मिला, वो स्वादिष्ट है या नहीं है मैंने अर्थ दिया है कि नहीं, उसी भोजन को कोई स्वादिष्ट कहता है, कोई स्वादिष्ट नहीं कहता है, किसी का कोई अन्य अभ्यास है आस्वादन का तो स्वादिष्ट नहीं कहता है ना। जैसे पहली बार अगर किसी को कैडबरी चॉकलेट खिलाया जाए तो बड़ा तीखा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है ना, और बच्चों को देखिए अभ्यास हो जाता है तो वही मांगते रहते हैं कैडबरी चॉकलेट, बता जो भी चौको वाले चॉकलेट्स होते हैं, तो शुरू में आप खाइए तो बड़ा तीखा बड़ा अजीब सा लगता है उसका स्वाद, फिर बाद में हमको स्वादिष्ट लगने लगता है, तो हमने ही अर्थ दिया है कि नहीं जी। इसको हम लोग अपने आप में अध्ययन कर सकते हैं। तो अब इसको बारीकी से ओपन करेंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे आपका जो थर्ड, आपने बताया थर्ड सोर्स जो है शरीर में उत्पन्न कुछ पेन है, तो जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन अगर हो रहा है तो और वो कंसिस्टेंटली होता रहता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई मेडिसिन ना भी लो तब भी, सर को मालिश भी करो तब भी, तो उसमें भी तो मैं प्रभावित हो ही रहा हूँ ना। हाँ, बट तो उसमें ये हो सकता है कि सूचना तो बार बार आ रही है, बट मैं उसे दुखी हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ वो हमारे द्वारा दिए गए अर्थ पर निर्भर करेगा। जैसे किसी को पहली बार माइग्रेन हुआ तो आप देखिए उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो भाव विचार होता है एक प्रकार का होता है। अब अगर ये रेगुलर हो गया ना तो हमारा दिया हुआ अर्थ अब धीरे धीरे बदल लगता है, हमको लगता है ठीक है ये ला इलाज है, इसका कुछ होगा नहीं है ना, होने दो अपना काम करो, थोड़ी देर में उतर जाएगा चला जाएगा। अब हमने अर्थ बदल दिया, पहले ऐसा लग रहा था कि ये जब तक नहीं जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, ये तो पूरा लगता है मुझे लेकर ही जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारे हमने वहाँ अर्थ जोड़े हुए थे। अब वो बार बार हो रहा है तो हमने फिर अर्थ बदल दिया, ठीक है ये होता रहता है, ये इलाज इसका पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो ला इलाज लग रहा है, अपना काम करो थोड़ी देर में चला जाएगा। अब हमने अर्थ बदल दिया तो हमारे ऊपर जो प्रभाव है बदल गया। माने प्रभाव तो अभी भी है पर मेरा अर्थ बदलने की वजह से वो मैं उससे उतना प्रभावित नहीं हो रही जी। तो प्रभाव तो होगा, परस्परता में प्रभाव है, शरीर का मैं पे प्रभाव है, बट जो मैं अर्थ दे रहा हूँ है ना उसके आधार पर मेरा सुख दुख तय होता है। तो संवेदना का आस्वादन तो कर रहा हूँ, इस रूप में तो प्रभाव है कि संवेदना का आस्वादन हो रहा है, परंतु उससे मैं दुखी हो जा रहा हूँ परेशान हो जा रहा हूँ ऐसा नहीं है। पर भैया
कहीं ना कहीं परेशानी तो होती ही है, बार बार ध्यान भी जाता है कि भाई पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो पेन की वजह से। ये ठीक है कि हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, शरीर का साधन की तरह प्रयोग नहीं कर पा रहे, बट से दुखी हो निश्चित नहीं है। जैसे बुखार हो गया शरीर में, अब हम जो रेगुलर काम है हमारे दिनचर्या का, उसको हम नहीं कर पा रहे, लेटे हुए। बट कुछ लोग होंगे जो बुखार से दुखी हो जा रहे हैं, है ना, परेशान हो जा रहे हैं, चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, खींच जा रहे हैं, गुस्सैल हो जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शरीर को आराम दे रहे हैं, खुद भी आराम में है, शरीर को भी आराम दे रहे हैं। बुखार वही है, अर्थ अलग है। यहाँ पे हमको अर्थ चेक करना है, प्रभाव तो अपने हिसाब से बनता ही रहेगा और उस जी अर्थ के हिसाब से हमको मतलब वो डिस्टेंस को मेजर करना है। जी तो प्रभाव को वहां तक देखें, है ना, कि संवेदना का आस्वादन हुआ, अगर उसको प्रभाव करें तो वो होता रहेगा, परंतु उससे जो कल्पनाशीलता में लय बना या अंतर्विरोध बना, उसको अगर प्रभाव के रूप में देखें तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। अमर भी ऐसा एक ध्यान में आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि अर्थ देने पर ही वो उसका रिएक्शन और ये सब होता है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि जैसे आपने कहा था कि सम्मान करना, यानी किसी का अवमूल्यन न हो, अधिमूल्यन न हो, जो जैसा है वैसा उसको देखना, ये सम्मान करना है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही है कि संवेदना जब आती है, चाहे वो बाहरी व्यक्ति से आए, चाहे परिस्थिति से आए, चाहे मेरे शरीर के से आए, उसका भी मुझे सम्मान ही करना चाहिए, उसको जैसा है वैसा देखने का प्रयत्न करना चाहिए और उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए? जी बात तो ठीक है, ऐसे हम लोग सम्मान शब्द का जो प्रयोग है वो मानव मानव संबंध में कर रहे हैं, परंतु ये भी वो मुद्दा तो सही मूल्यांकन का ही है। हाँ धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी, बढ़िया भैया। तो अगर हम इसको बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स दिखाई देते हैं, जैसे ये जो दो प्रकार के स्रोत हुए, बाहर की घटना को लेकर, कोई दूसरे मनुष्य का व्यवहार है या कोई बहुत ही रासायनिक वस्तु है, वहाँ कोई बहुत ही रासायनिक क्रिया हो रही है, तो उसका शरीर पे प्रभाव पड़ा, किसने कुछ कहा, कान में ध्वनि पड़ी, या ठंड है ना, शरीर पे प्रभाव पड़ा, सिहरन हुई, तो शरीर में प्रभाव पड़ा, उससे शरीर में संवेदना उत्पन्न हुई, शरीर में कोई क्रिया हुई। अब मैं ध्यान देता हूँ उस ओर तो पढ़ता हूँ, नहीं ध्यान देता हूँ नहीं पढ़ता हूँ। जैसे अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके कान तक 10 प्रकार की ध्वनि पहुंच रही होगी, हवा भी जो चल रही है ना, हवा की भी सरसराहट होती है, खिड़की खुली हुई है, खिड़की में कंपन है, उसकी भी एक आवाज है, पर्दा है, पर्दा भी लहरा रहा है, उसकी भी एक आवाज है, कोई चिड़िया चहचहा रही है, उसकी भी आवाज है, घर में 4 लोग हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई आवाज उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो हम जिस आवाज को महत्वपूर्ण मानते हैं उधर ध्यान देते हैं। वैसे प्रकृति में भी देखें तो ठंड है वो एक प्रकार की घटना है, साथ ही आपकी आंखों के सामने ढेर सारी इकाइयां बनी हुई है कि नहीं, तो ये भी तो बाहर के बहुत रासायनिक संसार में है, इसका भी प्रभाव है। तो आप पाएंगे कि शरीर प्रभाव पड़ रहा है, उससे शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है, जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उस संवेदना को मैं पढ़ता हूँ, उसमें मेरा निर्णय शामिल रहता है। फिर मैं अपने संस्कार जो मान्यता आधारित या समझ आधारित हो सकता है उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। जी उसके साथ जोड़कर मैं उसको अर्थ देता हूँ। तो मैं उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, यानी अपने भाव विचार पूर्वक उसको बनाता हूँ या बिगाड़ता हूँ, सुखी होता हूँ दुखी होता हूँ, ये मेरे द्वारा जो दिया गया अर्थ है उस पर निर्भर करता है। तो अगर मैंने एक प्रकार का अर्थ दिया एक प्रकार से प्रभावित होता हूँ, दूसरे प्रकार का अर्थ दिया दूसरे प्रकार से प्रभावित होता हूँ, तीसरे प्रकार का अर्थ दिया नहीं प्रभावित होता हूँ कि नहीं, ऐसे मेरा अपना भाव विचार शामिल होता है, फिर इससे हमारा है ना भाव विचार या तो बिगड़ता है या बनता है, उससे मैं सुखी होता हूँ दुखी होता हूँ, ये मेरी स्वयं में स्थिति बनती है। फिर मैं प्रतिक्रिया पूर्वक, यानी कोई मान्यता आधारित संस्कार होता है तो, या जिम्मेदारी पूर्वक अगर समझ आधारित संस्कार होता है तो, प्रस्तुत होता हूँ निर्वाह करता हूँ, फिर आवश्यकता अनुसार शरीर को निर्वाह हेतु संकेत देता हूँ, और जैसा मैं संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है और वो बाहर की ओर अभिव्यक्त होता है, तो इस प्रकार से चलता है। तो इसमें जो मुख्य बात है कि ये जो मैं अर्थ दे रहा हूँ
मान्यता आधारित या समय आधारित, ये इसका फोकल पॉइंट है। अगर मान्यता आधार में है तो मैं उससे प्रभावित होता हूँ, समझ आधार में है तो प्रभावित नहीं होता हूँ, फिर आगे का फॉलो करेगा, है ना। यदि मान्यता आधारित है तो मैं प्रतिक्रिया करूंगा, वो प्रतिक्रिया पहले स्वयं में शुरू होती है, इरिटेशन शुरू होता है, एंगर शुरू होता है कि नहीं। और फिर यदि मैं समझ आधारित ढंग से देख रहा हूँ, समझ के साथ उस चीज को देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर रिस्पॉन्स तैयार होता है, जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय तैयार होता है, फिर मुझे लगता है कि शरीर का प्रयोग करना है बाहर अभिव्यक्त करने के लिए, तो मैं संकेत देता हूँ। अगर लगता है नहीं ठीक है, अगला व्यक्ति समझ जाएगा, है ना, कहने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं कहता हूँ। पर मुझे लगता है नहीं, बिना कहे नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, तो मैं कहता हूँ। फिर जैसा मैं संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है, और फिर वो बाहर अभिव्यक्त होता है। इतने स्टेप्स हैं, इसको देखें तो शरीर पे प्रभाव पड़ना एक, शरीर में संवेदना उत्पन्न होना, फिर संवेदना को पढ़ना तीसरा, फिर अपने संस्कार के साथ जुड़कर अर्थ देना चौथा, फिर उसे प्रभावित होना या नहीं होना पांचवा, फिर प्रतिक्रिया में जाना या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करना छठा, फिर उसके बाद आवश्यकता अनुसार शरीर को निर्वाह हेतु संकेत देना सातवां, फिर जैसा संकेत दिया शरीर वैसा किया आठवां, और फिर बाहर के व्यक्ति नौवां। ये नौ स्टेप्स शामिल रहते हैं कि नहीं, तो इसको बारीकी से देखेंगे तो इतनी सारी घटनाएं आपको दिखाई देंगी। किसी भी क्रिया में जब कोई बाहर का कोई क्रिया का शरीर प्रभाव पड़ रहा है तो इतने सारे आपको स्टेप्स दिखाई देंगे। अब जैसे शरीर पे कोई मच्छर बैठ जाए, तो शरीर पे मच्छर बैठा एक घटना, चुभन हुई शरीर में संवेदना उत्पन्न हुई दूसरी घटना, फिर संवेदना को मैंने पढ़ा, अगर मेरा ध्यान कोई मैं वीडियो देख रहा हूँ उस पे है, मच्छर बैठ गया पैर पे, मुझे पता भी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगर मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूँ तो जो मच्छर बैठा शरीर पे उसका मुझे पता चलता है, उसको मैं पढ़ता हूँ। तो तीसरी घटना, फिर मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर स्वार्थ देता हूँ। अगर मैंने माना हुआ कि मच्छर में सेल्फ है, जीवन है, ठीक, इसको मारना हमने ऐसा माना हुआ है पाप है, है ना, और यदि मच्छर को मार दिया तो अगले शरीर यात्रा में मच्छर का ही शरीर मिलेगा, अभी ढेर सारा हमने माना हुआ है, तो मच्छर बैठा नहीं कि अपने अंदर एक प्रकार का अर्थ तैयार हुआ कि नहीं, कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है इसलिए नहीं मारना ठीक है। अब जो भी मैंने अर्थ दिया उससे मैं प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, अब उसका मेरे अंदर भय उत्पन्न हो जाए कि अगर कहीं मार दिया तो ऐसा ना हो कि मैं मच्छर बन जाऊं अगली बार कि नहीं, तो हमारे अंदर जो भी तैयार हुआ है स्थिति बनी वो सुखद हो सकती है दुखद हो सकती है, तो मैं प्रभावित हुआ, फिर मैंने प्रतिक्रिया पूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया। अब क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो निर्णय हुआ छोड़ दिया जाए, तो शरीर को मैंने संकेत दिया कि भाई छोड़ दिया जाए, तो शरीर का हाथ नहीं उठा। बट यदि हमने ये निर्णय लिया कि नहीं मार दिया जाए, है ना, अगली बार देखा जाएगा, अगली शरीर यात्रा में देखा जाएगा, मार ही देना ठीक है, तो फिर मैं शरीर को संकेत देता हूँ भाई, है ना, मारो इसको, तो हाथ उठता है, मच्छर पे गिरता है, ये आठवां क्रिया हुआ, और फिर मच्छर मरता है, ये नौवीं क्रिया हुई। तो इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो फोकल पॉइंट क्या है, हमने जो माना हुआ है मच्छर के बारे में वो फोकल पॉइंट है, उसी से मैं प्रभावित होता हूँ। अगर मुझे मच्छर क्या है, अपने आप में इकाई क्या है समझ में आता है, तो मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे दुखी परेशान हो जाऊंगा ना कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब डिपेंड करेगा, कभी मार भी सकते हैं, कभी छोड़ भी सकते हैं, कभी उसको हाथ से हटा भी सकते हैं, कभी लगे कि नहीं, है ना, बहुत तीव्र संवेदना हो रही है और ये खून पिए जा रहा है तो मार भी सकते हैं। बट अल्टीमेटली मेरा जो प्रभावित होना है, सुखी या दुखी होना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अर्थ क्या देता हूँ। उस अर्थ के साथ मेरे भिन्न भिन्न निर्णय हो सकते हैं। जैसे अगले व्यक्ति ने हमसे कोई बात कही, तो ये तो जो मैंने मच्छर की बात कही ये कोई बहुत ही रासायनिक परिवर्तन वाली बात हुई जो शरीर से बाहर हो रहा है। अब अगले व्यक्ति ने कोई बात कही, मुझे अगर दिखता है कि इंटेंशन साउंड है ना, कॉम्पिटेंस की कमी है और इस कारण से वो खुद भी परेशान है और इसलिए इस तरह की हरकत कर रहा है, तो मेरी स्थिति एक तरह की होगी, मैं अपने आप में आराम में रहूंगा और मैं सोचूंगा कि कैसे इसे कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाए या इससे इनकॉम्पिटेंस से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। बट यदि इंटेंशन पे डाउट होगा तो मेरे अंदर इरिटेशन, एंगर,
फ्रस्ट्रेशन है ना, ये सब शुरू हो जाता है और फिर मैं उसी आधार पर निर्वाह करता हूँ। तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, ये 9 स्टेप्स जो बात हुई, अभी हम लोग 10 मिनट का समय लेते हैं, इन 9 स्टेप्स को अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे, फिर इस पे जो भी प्रश्न बनता है उसको लेंगे। और थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग उन्हीं प्रश्नों को रखेंगे जो हमारी इस ऑब्जर्वेशन से जुड़े हैं। 10 मिनटों में कोई प्रश्न नहीं लेते हैं, कोई शेयरिंग नहीं लेते हैं, और हम कहीं बैठ कर इसको ऑब्जर्व करें। शरीर पे आप देखिएगे तो हवा चल रही है, उसकी कोई संवेदना उत्पन्न हो रही होगी, कोई ध्वनि आ रही है, उसकी संवेदना उत्पन्न हो रही होगी, है ना। अगला व्यक्ति व्यवहार ना भी करे इस भाग को तो आप ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर आप देखिए उसको कैसे अर्थ दे रहे हैं। भैया देखिए, अभी जो बात निकली थी, इंटेंशन तो प्योर है और कॉम्पिटेंस की कमी, इसको मुझे वेरीफाई करना है। तो उस जो मेरे संबंधी है तो उनके साथ जीते हुए मुझे बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंस की फिर कहाँ कहाँ कमी हो रही है, ये कहे भैया। हाँ बिल्कुल, इसका राइट इवैल्यूएशन करेंगे अगले व्यक्ति का। तो राइट इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें दिखता है कि पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल तो सब ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, कॉम्पिटेंस से कमी है और कहाँ कहाँ कमी है जी। और कुछ हाँ बताइए जी। हाँ, कुछ एक जो मेरे संबंधी है जिनके साथ निर्वाह करते हुए जब मैं ये देख पाऊ कुछ एक व्यक्तियों का कि कॉम्पिटेंस की कमी की वजह से गड़बड़ी कर रही है, और इससे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि सभी मानवों की यही स्थिति है, ऐसे कहना है। इनफैक्ट वो दूसरे को नहीं, स्वयं को ऑब्जर्व करके समझ में आ जाता है। तो स्वयं में भी देखें तो हमारा इंटेंशन ठीक है, हमको दिखता है सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, ध्यान देते हैं समझ पाते हैं, पोटेंशियल भी है और ध्यान देने से ही समझते हैं, यानी प्रोग्राम भी निश्चित है, बट नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, काफी सारा समय लगा रहे हैं, है ना, और समय लग रहा है इसमें। ये बात हमको अपने आप में स्पष्ट होगी तो दूसरे के लिए स्पष्ट हो जाती है कि हाँ दूसरे के साथ भी ऐसा ही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगते थे, तो नहीं ध्यान देता था। जैसे अगर हम इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में आए और वहाँ अस्तित्व की व्यवस्था पे चर्चा हो, स्पेस, यूनिट, सबमर्जेंस, तो हमें कोई महत्व ही नहीं लगता कि कहाँ से आ गए सब, है ना, पता नहीं क्या चल रहा है वर्कशॉप में, तो हमको महत्वपूर्ण नहीं लगता था, तो नहीं ध्यान देते थे उस पर। फिर धीरे धीरे जब समझते चले गए तो महत्वपूर्ण लगने लगा, तो उस पर ध्यान देने लगे। अगला व्यक्ति भी वहीं खड़ा है, उसको अभी ये सब राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स का महत्व नहीं दिख रहा, इंटेंशन, कॉम्पिटेंस, तो उसको जो महत्वपूर्ण लग रहा है सुविधा, संवेदना, है ना, दूसरों का पाने वाला ध्यान, उसमें फंसा हुआ है। तो बात तो वही है ना, अभी उसको वो चीजें महत्वपूर्ण लग रही, उन्हीं संवेदना को महत्वपूर्ण माना हुआ, उन्हीं पे ध्यान दे रहा है। जब ये महत्वपूर्ण लगेगा तो इस पे ध्यान देगा। तो फिनोमिनन देखें तो बिल्कुल सिमिलर है, ये बात हमको स्वयं में दिख सकती है, अगर ये स्वयं में हमको दिख जाती है तो हमको दूसरे के लिए भी दिख जाती है। हाँ, एक कल अनुभव आया था अपने बारे में, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हमारे कॉलेज में, सब यहाँ बीच में आपको रोक लेता हूँ, और उसको अनुभव नहीं एक्सपीरियंस कह लें। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस। तो मैं जहाँ हमेशा गाड़ी पार्क करता हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे किसी ने गाड़ी इस तरह से लगा दी कि मैं गाड़ी निकाल नहीं पाऊँ। तो मैंने सोचा कोई आया होगा, निकल जाएगा, लेकिन मुझे किसी जगह जाना था, तो उस समय देखा तो वो गाड़ी वहीं लगी थी। अब मुझे मैंने वॉचमैन को बुलाया, बोला ये गाड़ी किसने लगाई और आपने लगाने कैसे थी, अब अगर इमरजेंसी हो तो कैसे निकाला जाए। तो वॉचमैन को बुलाते समय ही मैंने देखा कि वो बड़े ढीले टाइप का आ रहा है, कोई मतलब बड़े आराम से आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरा आवाज चढ़ गया और मैंने उसको ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये हो गया, उसके बाद एक जो जिनकी वो गाड़ी थी उन्होंने मुझे पहले ही फोन करके बोला था कि आप कब जा रहे हैं घर पे, मुझे आपके साथ आना है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी गाड़ी आपके पीछे लगी, और इसकी वजह से क्या हो गया कि मुझे पता नहीं चला किसकी गाड़ी, और फिर मैं थोड़ा सा वॉइस मेरा रेज हो गया। लेकिन जब वो आए फैकल्टी मेंबर तो मुझे ध्यान आया कि उन्होंने बताया था। इससे पहले जब भी ऐसा होता था, जब भी भाव गड़बड़ होते थे, तो थोड़ा सा मुझे बाद में गिल्ट लगता था, लेकिन कल मैंने देखा कि गिल्ट नहीं लग रहा था। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी कॉम्पिटेंस में, योग्यता में कुछ कमी है, तो उसके ऊपर काम करना है।
तो ये एक फर्क मुझे देखा कि पहले गिल्ट होता था, अब गिल्ट नहीं हो रहा है। जी भैया इतना ही कहना। जी बढ़िया भैया। अब इसी उदाहरण में 9 स्टेप्स को देख लेते हैं। तो जैसे इन्हीं ने आपकी गाड़ी के पीछे आप अपनी गाड़ी लगा दी थी, है ना, उसको आंखों में दृश्य बना, शरीर पे प्रभाव पड़ा, उसे शरीर में कोई संवेदना उत्पन्न हुई और आपने उसको पढ़ा, तो आंखों में चित्र बना और एक संवेदना बनी, उस रूप की संवेदना बनी जो आप तक पहुंची मेधस के माध्यम से, और आपने उसको पढ़ा क्योंकि आपके लिए वो महत्वपूर्ण था। अगर उस समय किसी बात कर रहे होते, है ना, कोई डिस्कशन चल रहा होता तो ध्यान नहीं दिया होता। अब गाड़ी निकालनी थी इसलिए हमने उसको निर्णय लिया पढ़ने का, तो संवेदना को पढ़ा, फिर आपके अंदर ये, है ना, हुआ कि दूसरे व्यक्ति को मेरे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाने का अवसर किसने दिया, और ये बिल्कुल गलत है, ये वॉचमैन की गलती है, वॉचमैन लापरवाह है, ना। तो अब ये आपने जो भी अर्थ दिया, फिर उसके आधार पर आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न हुआ, और जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उससे अपनी स्थिति आराम की नहीं रही, फिर अपने अंदर प्रतिक्रिया तैयार हुई, इरिटेशन हुआ, है ना, और फिर उसको हमने निर्णय लिया कि इसको शरीर से व्यक्त करना है, और फिर हमने उस व्यक्ति पे चिल्लाया, वॉचमैन पे चिल्लाया, और वॉचमैन पे जो प्रभाव पड़ना था वो हुआ, है ना, बाहर व्यक्ति अगर देखे तो ऐसा है। अब अगर उसी समय आपको याद आ गया कि इन व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि मैं अपनी गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपकी गाड़ी के पीछे लगा रहा हूँ, जो आपको निकलना हो बताइएगा, तो आपको जैसे ही याद आया वो अर्थ बदल गया, ठीक, अब वॉचमैन की ओर ध्यान नहीं जाएगा, अब उन व्यक्ति को ध्यान जाएगा और अपने ऊपर ध्यान जाएगा कि देखो उन्होंने बताया तो था, मैं भूल गया, मैं इतना ज्यादा भूल जाता हूँ कोई बात, अभी बताया था, अभी भूल गया मैं। अब देखिए जैसे ही अर्थ बदला हमारा स्थिति बदल गया। अभी देखिए, अभी भी आप बोलते हुए आपके अंदर हंसी उत्पन्न हुई, है ना, आपका जो भाव है बदल गया कि नहीं। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। ये हम बारीकी से क्षण क्षण में अपने व्यवहार में देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे अंदर अर्थ बदलते हैं। अब आपके अंदर जो स्थिति बनेगी, है ना, अब अपने ऊपर बनेगा कि देखो मैं भूल गया, उन्होंने बताया तो था, अब परेशान नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे, ठीक, अब उनको याद करेंगे कि उनको कॉल किया जाए, तो मोबाइल निकालो भाई, मोबाइल कहाँ है, उनको कॉल करो, शरीर को संकेत दिया, उनको कॉल करो, फिर कॉल जाएगा, फिर अगले व्यक्ति का रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं। तो ये 9 स्टेप जी, तो देखिए तो क्रूशियल स्टेप ये अर्थ का है, है ना। बढ़िया भैया, जी बढ़िया, धन्यवाद। बढ़िया भैया, द क्वेश्चन व्हाट जस्ट नाउ इट इज आस्क्ड, द इंसिडेंट इज ओवर विद इन लेट अस से फ्यू मिनट्स, या राइट भैया, देन सर्टेन थिंग्स विल हैपन ओवर ए टाइमलाइन, टीनेज में कुछ हुआ, 40s में कुछ हुआ, 50s में कुछ हुआ, सो ओवर द पीरियड इट हैपेंस लाइक दैट, देन डैमेज वुड हैव बीन ऑलरेडी डन, इसको लेके बार बार मन उधर ही जाता है, तो आई नो यू विल टेल दैट इसके ऊपर आप काम करना चाहिए, बट हाउ टू कम आउट ऑफ दैट गिल्ट, ये जो मैं किया था वो सही नहीं था लॉन्ग बैक। जी जी, एक तो अच्छी बात है कि हम अपनी गलती को वहां स्वीकार पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना, अब उसका जो गिल्ट उत्पन्न हो रहा है उसमें समाधान तो ये है कि भाई उस समय जितनी हमारी कॉम्पिटेंस थी उसके अनुसार हमने एक्ट किया, कॉम्पिटेंस कम थी इसलिए रिएक्ट किया, अब कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करना है ताकि रिस्पॉन्ड करे हर बार, अब वापस वैसी परिस्थिति आती है तो मैं क्या करूंगी, ये हमारे लिए स्वयं में आकलन का मुद्दा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गिल्ट से भर जाते हैं, ठीक, तो दोबारा वही उत्पन्न होती है, दोबारा वही हरकत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो किसी को डायबिटीज हो, है ना, और मिठाई सामने खा ली, अब गिल्ट उत्पन्न हो रहा है, खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, छोटी सी चीज है, ओवरकम नहीं कर पा रहे, 10 साल हो गया, गिल्ट में चले, है ना, एक दिन चला, अगले दिन फिर कोई नया तरह का मिठाई आ गया, अब वो जो है अगली बार फिर वही गलती हुई, क्यों हुई, क्योंकि गिल्ट में जाने से मूल्यांकन नहीं होता, गिल्ट डज नॉट एंश्योर इवैल्यूएशन, ओके, इवैल्यूएशन नहीं हुआ, लाइफ लाइफ ऐसे ही गुजर जाता है, वो थोड़ा सा घबराहट होता है, घबराहट नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, so all the negative feelings will be there when I look at my imagination, it will be going on complaining mode or self complaining mode or how to come out of that harsh harkshan sajagrahana hai
ये सब तो ठीक है बट इट विल बी ऑलवेज गोइंग बैक फोर्थ एंड इस क्षण को मिस कर रहा है। देखिए थोड़ा सा अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है ना। वो क्या होता है कि जैसे हमें जब महत्वपूर्ण लगता है हम ध्यान देते हैं, बट काफी समय हमको महत्वपूर्ण नहीं लगती सब बातें, हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारी गति बन नहीं पाती। अगर हम इस चीज को अपने आप में देख पाए कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उसकी दिशा में गति बनती जाएगी। इसमें जो बार बार बात हो रही है ना कि स्वयं में जांचना और फिर उसको जी कर देखना, जांचने में ब्लॉक बी वन के एक्टिविटीज पे ठीक से ध्यान देना, उनको एक्टिवेट करना, जीना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। नहीं जीने में देखिए मुश्किल जीना मुश्किल नहीं है ऐसा जीना नहीं, कठिनाई जीने में नहीं है, कठिनाई हमारे संस्कारों में है। कठिनाई तो जीना तो जैसा ही हो सकता है, जीना तो होता है, हो ही रहा है, बट लिव बाय इट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लिव बाय इट इज बिकमिंग अ चैलेंजिंग टास्क। हाँ थोड़ा सा अभी इसलिए मैं उसको मॉर्निंग सेशन में कई बार मैं ध्यान दिलाता हूँ कि ये जो पार्टिसिपेशन है लार्जर ऑर्डर में उसको ठीक से करने की जरूरत है। अदरवाइज यही होगा कि हम समय तो लगाएंगे, कभी कभी हमारे अवेयरनेस बनेगा, साथ में गिल्ट भी बनेगा। देखो 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि नहीं, वो जरूर बनेगा और फिर उससे भी कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि जितना हम ये एक ह्यूमन गोल के टर्म्स में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं उससे फिर हमारी गति बनती है। नहीं तो वही स्थितियां आती हैं, वही गलतियां होती हैं, फिर गिल्ट होता है और वो साइकिल बना होता है, जो मीन पोजीशन है हमारा राइज नहीं करता। आगे भी गलतियां होंगी बट जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं फैल कर और स्वयं में भी इंटेंसिवली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो फ्लक्चुएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्लक्चुएशन का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे घटता जाता है और मीन पोजीशन राइज होता जाता है। अंडरस्टूड। अभी तो मैंने दादर इज सिमिलर टू मी ओ लेके वर्क कर रही हूँ, बाद में आपने जो जब बताया है व्हाट इज माय रोल इन द लार्जर ऑर्डर उसी को लेकर कुछ सोचना है, व्हाट इज माय पार्टिसिपेशन इसमें काम करना है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। बढ़िया दीदी। भैया मैंने अभी बिल्कुल जैसा आपने बताया 10 मिनट ये ऑब्जर्व किया और बिल्कुल जो आपने जो 9 स्टेप्स बताई उसके मुताबिक ही मैंने मतलब अभी घर के ही बगीचा में आंगन में बैठ के बिल्कुल 10 मिनट तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे राइट उंगली में पैर के एक छोटा सा एक हर्ट हुआ है कल बगीचा में काम करते हुए, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला भैया ने अपने को 10 मिनट सेल्फ को सेल्फ ऑब्जर्व करने का समय दिया, लेकिन उतने देर में जैसा आपने बताया जैसा मैं शांत बैठा एक मक्खी उसके ऊपर आके बैठी। तो ये मैंने 9 प्रक्रिया के बारे में मुझे मालूम ही था कि पहले अभी देखना है, फिर संवेदना है, फिर निर्वाह करना है, उसको भगाना है कि नहीं। ऐसा करते करते मैंने सारे स्टेप्स ऑब्जर्व किए, फिर ये निर्णय पक्का हो गया कि वो मक्खी को मारना है। अब मारने के लिए जैसे मैंने हाथ उठाया और उस पे लगा दिया ऐसा टप से तो वो मक्खी भाग गई। तो फिर भैया मेरे लिए प्रश्न ये उत्पन्न हो गया कि फिर 10वीं भी प्रक्रिया उसमें जोड़ना है क्या कि ये संवेद नहीं है? नहीं नहीं भैया फैक्ट है, मैं अच्छे से कर रहा हूं। तो फिर प्रक्रिया शुरू हुई, मक्खी के भाग जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू हुई कि अब आपकी आंखों में प्रभाव पड़ा कि मक्खी तो उड़ गई। जी जी, फिर आपने उसको पढ़ा, फिर आपने उसको अपने मान्यता या समझ के आधार पर अर्थ दिया है ना। अब जैसे एक मान्यता बनी हुई कि कम से कम मर्द है तो एक मक्खी तो मार ही सकते हैं, अब वो भी नहीं कर पाए। जी 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 भैया। और इतना सारा डिस्कशन बढ़िया चल रहा है, बोला तो मच्छर की जगह मक्खी आई तो अपन उसको क्यों छोड़ना है, मच्छर तो मारते ही। तो अपने अंदर ग्लानी हो सकती है, बताओ एक मक्खी तक नहीं मार पा रहे जिंदगी में क्या कर पाएंगे। जी जी बढ़िया भैया, बहुत मस्त मजा आ रहा है सही में। ये यूएचवी जो है ना सभी ने करना चाहिए भैया। हाँ धन्यवाद भैया। जी भैया नमस्ते। बढ़िया भैया, चर्चा में हार्मनी तो बहुत नजर आ रही है पर यहाँ तो बस हम 1 घंटा ही हार्मनी में रह रहे हैं, बाकी परिस्थितियों में तो हम जब भारी घटनाओं में भारी संसार के साथ अटैच होते हैं तो वहां पर हम संवेदना और प्री कंडीशंस पे ज्यादा स्टे कर लेते हैं, तो अर्थ वहां संवेदनाओं का अर्थ ज्यादा भारी हो जाता है
और ऐसे लगता है कि जैसे हम अकेले पढ़ के दूसरा क्यों नहीं समझ उसको उसको समझाने की कोशिश में अपना ही ज्यादा बिगड़ने लग रहा है। तो वो कंडीशंस कब कैसे ठीक हो सकती है भाई, कितना टाइम और लग सकता है दादा, कितना टाइम में हम लोग उस कंडीशंस को जो बाहरी घटनाएं हैं उससे हम ज्यादा संवेदनाओं के अर्थ में ना जाते हुए और प्री कंडीशंस को इरेज करते हुए अपना तो हार्मनी में हो रहा है पर बाहर में जब उलझ जाते हैं तो फिर इन चीजों को जो 9 स्टेप्स हैं उसके ऊपर हम वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, वो कंडीशंस अभी नहीं आ पा रही सर। जी जी, तो अभी इसको और बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जो टाइम लगना है या लगाना है ये सारा तो अपने निर्णय पे ही निर्भर करता है कितना टाइम लगेगा। तो अभी जो हमको ये वर्कशॉप का भी कंटेंट सुनने को मिल रहा है उसमें भी आप देखें तो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, संवेदना उत्पन्न हो रही है, मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपने संस्कार से जोड़कर अर्थ देता हूँ। तो इसी वर्कशॉप के कंटेंट को सुनकर हम कई प्रकार से अलग अलग समय पर अर्थ दे सकते हैं। कभी हमको लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पर ध्यान दिया जाए, कभी हमको लगता है ठीक है चलता रहता है, फॉर एग्जाम्पल है ना, ये सब बातें होती ही रहती हैं, है ना, लाइफ है सब चलता ही रहता है। अब हम अलग अलग प्रकार से अर्थ दे रहे हैं। अब आप अपने अंदर जो दिया जाने वाला अर्थ है उसी कंटेंट को सुनकर आप पाएंगे कि कई समय पर कई प्रकार से होता है। अब अगर हमारा संस्कार कुछ ऐसा बन जाए कि हम उसको ज्यादातर समय अपने जीने से जोड़कर या समझ से जोड़कर ना देख पाए तो हम उसमें गति नहीं कर पाते, जोड़कर देख पाते हैं तो गति कर पाते हैं। तो उसमें भी हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुद्दा तो ऑब्जर्व करने का है क्योंकि वास्तविकता अस्तित्व बना हुआ है, वर्तमान है, उससे मुझे ध्यान देना है। मुझे लगता है कि इसको समझने से सुख है तो समझने जाते हैं, मुझे लगता है कि इसको इग्नोर करने से सुख है तो इग्नोर करते हैं, अपने ऊपर है कि नहीं। जी जी सर, पर जो 1 घंटे की ये यहाँ पर हैप्पीनेस है ना वो कंटिन्यू सारा दिन बनी रहे तो कितना अच्छा है। वही तो सारा दिन हम ध्यान देना, बिल्कुल देखिए हम तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, सारा दिन हम ध्यान देंगे। जी तो सारा दिन हम लोग इतनी फास्ट तरीके से वो जो प्री कंडीशंस बैठी हुई ना वो इतनी हावी होने लग जाती है तो वो हार्मनी हम बना ही नहीं पाते दूसरे की बाहरी घटनाओं से, वहां अर्थ हमारा थोड़ा सा बदलने लग जाता। जी अभी तो ध्यान देने का अभ्यास नहीं है, सजगता नहीं, इसलिए होता है। तो शुरू में थोड़ा सा मेहनत है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं है ना, जब शुरुआत में आप साइकिल चलाते थे तो कितना मेहनत करते थे। जी जी राइट, अभ्यास हो गया तो ध्यान ही देते हैं। साइकिल चलाते हुए पता चला मोबाइल एक हाथ उठाकर उसमें मैसेज पढ़ रहे हैं है ना, इतना आराम से चला रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही ऐसा हो जाता है कि एक बार हमारा समझने पे ध्यान चला जाए है ना, इन मुद्दों पे ध्यान चला जाए तो हम हर काम को करते इस पे ध्यान देते रहते हैं, साथ में बाकी सारे काम करते रहते हैं। कॉन्शियस को अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को एक काम करने का समझ जो हम लोगों को बनानी है वो ज्यादातर कॉन्शियस को के ऊपर ही वर्क है। जी जी है ना। जी जी तो सर जी, तो यहाँ पर सारे दिन में जो संवेदनाओं के साथ जो मेरा अर्थ निकलता रहा उसमें पूरा दिन तो मैं बॉडी को बिल्कुल जो संवेदनाएं थी उनसे दूरी बनाए रखी, पर शाम को आते ही जैसे घर आई उसके बाद तो वो बैठते साथ ही वो संवेदनाएं कहे अब तो शरीर हम तेरे को उठने नहीं दे, ये कंडीशन आ गई। वो जो मेरी पहले प्री कंडीशन बनी हुई है ना तो वो ज्यादा हैवी होगी उसके ऊपर, तो वो ऐसे लगा कि हम लोगों ने वो आदत बना ली है कि हम शाम को रेस्ट करेंगे करेंगे, दिन भर तो हम संवेदनाओं से दूरी बनाए रखा हम लोगों ने सेंसेशन और बॉडी के बीच में, पर वो कंडीशन जो शाम की अगर उसमें भी हम अपना अवेयरनेस रखते तो शायद कंडीशन सही हो जाती। जी देखिए उसमें भी थोड़ा सा और इसको बारीकी से देखिए, संवेदना से हमने दूरी बनाए रखी ऐसा नहीं है, संवेदना तो दूर है ही मुझसे है ना, उस पर ध्यान बनाए रखा, अगर बनाए रखा तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे ही ध्यान छूटा वैसे ही हम फिर वैसे ही प्रीकंडीशन में आ जाते हैं। जी, और ये अभ्यास जो कल मैं कह रहा था, अभ्यास का मतलब आपने कोई कंडीशनिंग नहीं करना है, अभ्यास मतलब सजगता, अभ्यास मतलब समझना, समझने का अभ्यास करना है ना, न कि उसको मानने का अभ्यास करना है। जी जी जी, धन्यवाद। बढ़िया दीदी,